हर हर महादेव एवरीवन, जय माता दी। सर्वप्रथम आप सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को आज महाअष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आप आज कन्या पूजन कर रहे हैं तो एक बात याद रखें, कन्या पूजन किस तरह से करना है। कन्याओं को सर्वप्रथम अपने घर में आप इन्वाइट करिए और खूब सुंदर से आसन पे उन्हें बिठाइए। कन्याओं का मुख नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए या पूरब मुखी करके भी उन्हें आप बिठा सकते हैं। अब जब आपने कन्याओं को बिठा दिया तो आपको पहले एक थाली लेनी है और एक कलश में जल लेना है, जिसमें आप दूध, थोड़ा सा चंदन पाउडर मिला करके रखेंगे, गुलाब की पंखुड़ियाँ तो वो भी डाल दें। फिर उसके बाद आप कन्याओं के वन बाय वन चरण को धोएंगे, उनके पैरों को धो करके, और फिर उसमें अगर आप चाहें तो रंगना भी लगा सकते हैं, कलर जिसे हम कहते हैं, उनके पैरों में। और फिर माताओं को प्रणाम करके आप उनके हाथ को भी थोड़ा थोड़ा सा धुलवा देंगे। इसके बाद आप अपने हाथ को थोड़ा सा धो करके फिर कन्याओं का तिलक करेंगे। तिलक हल्दी, कुमकुम, अच्छत से और चंदन और दही, इस सबको मिक्स करके फिर आप उनसे कन्याओं को तिलक करेंगे। यदि आप चाहें तो उन्हें माला भी पहना सकते हैं फूलों की, या आप उनके हाथ में एक एक कमल का फूल या एक एक गुलाब का फूल भी उन्हें दे सकते हैं, उन्हें चुनरी उड़ा करके। तब उसके बाद आप उन्हें जो भी आपने माता रानी को भोग लगाया है वो प्रसाद के रूप में देंगे। कन्याओं को आप गिफ्ट देंगे। गिफ्ट में काजल, बिंदी, मेहंदी, चूड़ियाँ, चाहे तो सोने के गहने या फिर चांदी के आभूषण भी आप उन्हें दे सकते हैं। वस्त्र के रूप में अपने रुमाल दें या चुनरी उड़ाएं, और साथ में इत्र भी देना चाहिए। ऐसा करना शुभ होता है।